औरंगाबाद जिले के गांव मेहंदीपुर में बीती 10 अप्रैल को गोलियों से भूनकर हिस्ट्री शीटर निखिल की हत्या मामले में सीआईए वन ने आरोपियों को काबू कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि यमुना में हो रहे अवैध खनन को लेकर हुए गैंगवार में निखिल की हत्या की गई है। निखिल हत्याकांड में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा मृतक निखिल पर लगभग 30 से 35 गोलियां चलाई गई थी, जबकि उसको 17 गोलियां लगी थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विपिन, दौलत, अमन, सुमित, अनुज, राजा हुड्डा, सोनू और अंकित, अंकुर के रूप में हुई है। उनके कब्जे से हत्या में प्रयोग 2 कार, 5 अवैध पिस्तौल व 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। निखिल भी सोनीपत पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी रह चुका है। सभी आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामलों को अंजाम देने के आरोप हैं। पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया कि शूटर राजा हुड्डा, अनुज, अंकुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो पवन सोनीपत के गांव राजपुर का रहने वाला है। और निखिल की साजिश के लिए मामले में खुलासा किया कि शूटर राजा हुड्डा, अनुज, अंकुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो पवन सोनीपत के गांव राजपुर का रहने वाला है। और निखिल की हत्या की साजिश विपिन और उसके साथ अवैध खनन करने वाले माफिया काफी लंबे समय से कर रहे थे। निखिल हत्याकांड में जो कार्य किया गया है उसका आपको प्रस्तुत करना है डाटा। हमारे श्रीमान सीपी सर के मार्गदर्शन में हमारी सीआईए फर्स्ट द्वारा वह उसकी टीम के द्वारा निखिल हत्याकांड में जो हत्या की गई थी उसके अंदर कल 9 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है और उनसे बरामदगी की गई है। 5 पिस्टल बरामद किया गए हैं और गाड़ियां बरामद की गई है, मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। उनमें जो 4 मैन शूटर थे 3 यूपी से है, जो इसका नाम है ये अनुज है, दूसरा अंकुर है और तीसरा है राजा। ये यूपी के रहने वाले हैं शूटर और चौथा है हमारे गन्नौर से अमन राजपुर से हैं, जिन्होंने ये विपिन, दौलतराम और अंकित ने इनको बुलवाकर ये मर्डर करवाया है। और इनकी आपसी रंजिश जो है वो काफ़ी टाइम से चली आ रही थी। एक तो इनके रेता को लेकर खनन माफिया थे, ये रेता को लेकर इनकी रंजिश थी। दूसरी ये धीरज और विपिन, दौलत और एक अंकित, ये इनका ग्रुप था, ये भी रेता का काम करते थे और निखिल जो है मरने वाला वो भी रेता का काम करता था। तो इनको आप रेता को लेकर भी काफ़ी इनकी रंजिश चली आ रही थी, जिस रंजिश में निखिल ने भी कई बार अपने जो रेकी करने वाला मोनू है उसके ऊपर फायर किया था। उसको खिलाफ 307 मुकदमा दर्ज हुआ था, वो जमानत पे आ गया था और वो बार बार धमकी दे रहा था इनके मारने की, जिनको मद्देनज़र रखते हुए एक इनकी हत्या की गई। दूसरा पॉइंट, धीरज की हत्या जब की गई थी उसको भी इन्होंने अपना धैर्य बनाया था कि धीरज की हत्या कर दी है, तो उसको लेकर भी इन्होंने इसकी निखिल की हत्या की गई है। ये निखिल कहता था कि मेरे गांव का एरिया है तो मैं ही यहाँ काम करूँगा खनन का, आप नहीं कर सकते। तो इनको इस बात को लेकर काफ़ी खींचतान चल रही थी इस खनन के मामले में। ये वैसे कुछ काम तो एक नंबर में करते थे, बाकी 2 नंबर में सबसे ज़्यादा काम करते थे ये, उसी की आड़ में ज़्यादा 2 नंबर में करते थे खनन। ये गैंगवारी है एक, क्यों धीरज का जो मर्डर हुआ है उसको मद्देनजर रखते भी किया गया है और इनके आपसी रंजिश खनन में ही आपसी रंजिश है, जिसके मद्देनजर दोनों तीनों पॉइंटों को मद्देनजर रख के इनका मर्डर किया गया। ये देसी है हथियार और यूपी से ही परचेज किए गए हैं और वहीं से परचेज किए गए थे। जो 3 पिस्टल है और 2 315 बोर के कट्टे हैं। उसकी गहनता से जांच की जा रही है, कोई अगर एंगल आया है तो उस पॉइंट पे भी कार्य किया जाएगा। सर किस जगह से? यूपी से सोनू सुरती है, गांव मरमपुर, थाना खेकड़ा, जिला बागपत। यूपी से अरेस्ट किए गए उनको कल शाम को 7:30 बजे अरेस्ट किए गए थे। सभी का बैकग्राउंड जो है आपराधिक हिस्ट्री रही है, इनके ऊपर 8-8, 10-10 मुकदमे दर्ज हैं तकरीबन सभी पे और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका। सर क्या निखिल पे भी मुकदमे दर्ज था
और वो बीसी भी था और इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे दर्ज थे। सर किस सब अलग अलग एंगल है इनका, कोई मर्डर में रहे हैं, कोई लूट में है, कोई इसमें एक्सटोर्शन में रहे हैं और कोई खनन माफिया हैं, ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा है, सभी प्रकार के इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड है। आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है इनको सर, कोई करके आज रिमांड दिया जाएगा क्योंकि इनसे गाड़ी व्हीकल भी बरामद किया जाना है और इसके अन्य साथियों को पूछताछ करके अन्य साथियों का भी पता किया जाना है कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं।